What's up guys, this is Ayaaz, Kicxter, welcome back to another video. Guys, आज का जो tutorial है वो एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार tutorial होने वाला है. Basically, आज की video में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप लोग A twist कैसे कर सकते हैं, यानी कि aerial twist. Guys, aerial twist जो है वो बहुत ज़्यादा cool twisting move होता है and ये B twist की थोड़ी सी ज़्यादा advanced variation है. So guys, let's get started, let's learn the aerial twist. तो गाइस आइए अपन लोग शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का ट्यूटोरियल. गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को एरियल ट्विस्ट सीखना है यानी कि ए ट्विस्ट सीखना है तो उसके लिए आप लोगों को तीन मूव्स आने चाहिए. बेसिकली उसमें एक मूव ऑप्शनल है बट अगर आप लोगों को आता होगा तो आप लोगों के लिए फायदा ही रहेगा. तो वो जो तीन मूव है उसमें पहला मूव है एरियल जो कि ऑप्शनल है. अगर आप लोगों को एरियल आती होगी आप तब भी एरियल ट्विस्ट सीख सकते हो, अगर नहीं आती होगी आप तब भी एरियल ट्विस्ट सीख सकते हो. So yeah, पहला मूव हो गया हमारा एरियल, दूसरा मूव है वेबस्टर एंड तीसरा मूव जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बी ट्विस्ट, क्योंकि बी ट्विस्ट जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज जैसे हम लोग बी ट्विस्ट में ट्विस्ट करते हैं सेम उसी तरह से एरियल में ट्विस्ट करना है हम लोगों को. सो बी ट्विस्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है, वो तो ज़रूर आपको आना ही चाहिए. अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है गाइस, जैसे कि हम लोग हर फ्लिप में करते हैं रन अप, रन अप लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम के लिए, वही चीज़ हम लोग इस फ्लिप में भी करने वाले हैं. हम लोगों को अच्छा सा रन अप लेना है एंड बेसिकली अब हम लोग एरियल में क्या करते हैं, हम लोग अपनी बॉडी जो है साइड में रख के किक करके अपनी एरियल मारते हैं, यानी हमारी एरियल जो है थोड़ा साइड में होती है. लेकिन एरियल ट्विस्ट में हम लोगों को बॉडी साइड में नहीं रखनी है, हम लोगों को एरियल ट्विस्ट में बॉडी सीधी सीधी आगे की तरफ फेंकनी है इस तरह से, जैसे कि हम लोग वेबस्टर में करते हैं. सो यहीं पे आप लोगों को आपका वेबस्टर काम आएगा. तो हम लोगों को सिंपली रन अप लेना है, लास्ट स्टेप हर्डल करना है एंड किक करनी है एक वेबस्टर की तरह. उसके बाद क्या करना है, वेबस्टर में आप लोगों को अपना बी ट्विस्ट घुमाना है, वेबस्टर में बी ट्विस्ट घुमाना है. बहुत सिंपल नहीं है ये चीज़, क्योंकि वेबस्टर में आप लोगों को बोला जाए कि आप अपनी पूरी बॉडी 180 डिग्री घुमा दो बी ट्विस्ट मारने के लिए, बी ट्विस्ट मार दो वेबस्टर में, अपना इन्वॉल्व कर दो बी ट्विस्ट, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. तो उसको सिंपल बेसिक तरीके से कैसे सीख सकते हैं, हम लोग सिंपल पहले बी ट्विस्ट को अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करेंगे एंड फिर उसमें कोशिश करेंगे कि बी ट्विस्ट में हम लोग अपनी बॉडी जो है एकदम सीधी कर दें. सो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपने बी ट्विस्ट को एरियल ट्विस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो. अब बेसिकली हम लोग बी ट्विस्ट में क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल अपनी बॉडी को डिप करते हैं, ज़मीन के पैरेलल करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, सिंपल. ये हो गया हमारा बी ट्विस्ट. एरियल ट्विस्ट में जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, हम लोगों को स्टेप लेना है, वेबस्टर की तरह फेंकना है बट वेबस्टर ना मार के हम लोगों को अपनी अपर बॉडी ट्विस्ट कर देनी है, तो वो जो है एरियल ट्विस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि आप मूव जब भी ट्राई करना थोड़ा हाइट से ट्राई करना, बिकॉज पैरेलल ग्राउंड से थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आप लोगों को एयर टाइम कम मिलता है. हाइट से ट्राई करोगे एयर टाइम ज़्यादा मिलेगा, आराम से ट्विस्ट होकर आपकी लैंडिंग हो जाएगी. एंड अगर हाइट से आ गया है देन आप लोग ग्राउंड से भी निकाल सकते हो. मैंने भी जो पहला एयर ट्विस्ट है वो हाइट से ही मारा था. अब चलते हैं स्टेप्स की तरफ. अब गई जैसे कि हम लोगों का सिंपल ये हो गया बी ट्विस्ट, तो ये था मेरा बी ट्विस्ट. अब बी ट्विस्ट में मैंने क्या किया, मैंने पावर स्टेप लिया और यहाँ से मैंने अपना बी ट्विस्ट फेंक के ट्विस्ट किया. ये हो गया हमारा बी ट्विस्ट. एरियल ट्विस्ट में ये नहीं है जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया. अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपली अपना वेबस्टर फेंकना है एंड देन अपना बी ट्विस्ट घुमाने की कोशिश करनी है. वेबस्टर फेंकना है फिर अपना जो बी ट्विस्ट है उसका ट्विस्ट घुमाने की कोशिश करनी है. मेन यही चीज़ है, अगर आप लोग सिर्फ इसी की प्रैक्टिस कर लोगे देन आपका एरियल ट्विस्ट जो है निकल जाएगा. अब गाइस सिंपली हम लोग प्रोग्रेस करेंगे अपने बी ट्विस्ट को एरियल ट्विस्ट में. कैसे करना है, जो हम लोगों ने डिप करके बॉडी पैरेलल करी थी वो अब नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट जो बॉडी को है नीचे ले जाएंगे एरियल की तरह देन अपना बी ट्विस्ट मारने की कोशिश करेंगे. तो वो जो है कुछ इस तरह से लगेगा. अब गाइज इस वाले बी ट्विस्ट में क्या था, इस वाले बी ट्विस्ट में हम लोगों ने बॉडी को बहुत ज़्यादा पैरेलल नहीं रखा, हमारी बॉडी कुछ इस तरह से थी, ये सर थे ये पैर थे, यानी हमारे सर नीचे थे पैर ऊपर थे. अब इसी को हम लोगों को और करते करते कुछ इस तरह से ले आना है, बिल्कुल सर नीचे होंगे पैर ऊपर होंगे, यानी कि जो अब हम लोगों ने इस तरह से फेंका था इसको डायरेक्टली कट करके हम लोग अपनी बॉडी को इस तरह कर देंगे, यानी सामने की तरफ किक करेंगे ट्विस्ट करेंगे. यही चीज़ जो है आप लोगों को एरियल ट्विस्ट सिखा देगी. गाइज ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस जो है बी ट्विस्ट से ही करिए, बी ट्विस्ट से करिए एंड जब आप लोगों को लगे कि मेरा बी ट्विस्ट जो है बिल्कुल साइड में पड़ने लगा है, आप लोग बॉडी पैरेलल नहीं रख रहे हो, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गए हो, देन आप लोगों को बस यही करना है कि आपको अपना वेबस्टर फेंकना है एंड अपना ट्विस्ट जो है बी ट्विस्ट का वो इसमें ऐड कर देना है एंड आप लोगों को जो एरियल ट्विस्ट है आ जाएगी कुछ इस तरह से.
तो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, एरियल ट्विस्ट का ट्यूटोरियल। आई होप कि आप लोगों को सारे स्टेप्स जो है क्लियरली समझ में आए हो एंड आप लोग एरियल ट्विस्ट जो है इस ट्यूटोरियल की मदद से सीख जाओ। गाइस अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, मेक श्योर कि आप मेरे को कमेंट करना, इंस्टा पे आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो @ayaaztricks। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। गुड लक गाइस, गुड लक विद द ट्रेनिंग, गुड लक विद द एरियल ट्विस्ट। पीस आउट।